सोनू सरकार पे भरोसा काहे नहीं खे सुमो चाचा घरे तहरा आए लागल बा नेतन के जम घटे भैया जिलेबी पहाड़ा के जैसे सोनू सरकार पे भरोसा काहे नहीं खे सोनू आज तक किसकी गोद में गया और कब गया किसी को पता ही नहीं चला। सुन शिक्षा व्यवस्था अपन ला जाई जई त चाचा हो दौड़त दौड़त दैया हुआ कबाड़ी रघुनंदन हरे। नालंदा के लाल की कहानी सोनू की कहानी पूरी देश और दुनिया ने जानी लेकिन सोनू किसकी गोद में गया किसी को पता नहीं चला। सोनू को एक समय गोद लेने वालों की होड़ लग गई और सरकार की आंखों में आंखें डालने वाला सोनू सच मायने में सोनू ही बन गया। उसको ऑनलाइन गोद लिया जाने लगा और सोनू इतना गोद ले लिया गया कि सच में वो गुदगुदा गया। उसको समझ में नहीं आया कि हम किसके गोद में जाएं। यहां तक कि उसको ऑनलाइन गोद लिया जाने लगा और ऑनलाइन गोद लेते लेते उसका भरोसा सरकार से भी उठ गया। इस वक्त रियल कलाकार जो है भोजपुरिया कलाकार भोजपुरिया जवान एमबीएस फिल्म के कलाकार हमारे साथ हैं जो गीत और संगीत के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास करते हैं और सच मायने में मैं इन्हीं को कलाकार कहता हूं क्योंकि कलाकार हैं और मिट्टी से जुड़े कलाकार हैं और देश के लोगों को अपने गीत और संगीत के माध्यम से जगाने का प्रयास करते हैं और गूंगी बहरी सरकारों को भी जगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सोनू का क्या होगा इस गीत और गौनई के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे और सोनू को अब लगता है सरकार पे भरोसा नहीं बा ना बा। हाँ। अरे केहू कहेला तो के पढ़ाई बा केहू धारा देता पैसे सोनू सरकार पे भरोसा काहे नहीं खे सुमो चाचा घरे तहरा आए हैं 2000 के महीना पे ललचाए हैं तोरे नाम से होगा राजनीति तुम्हें तावा बना के सब सेकेंगे रोटी सोनू चाचा पे भरोसा काहे नहीं खे लागल बा नेतन के जम घटे भैया जिलेबी पहाड़ा के जैसे सोनू सरकार पे भरोसा काहे नहीं खे जब तक रहोगे ट्रेंड में बबुआ दौड़ेंगे नेता जैसे नौकरिया के अगुआ सोनू अभी तो प्यार बरसाएंगे बाद में भूल जाएंगे सोनू सरकार पे भरोसा काहे नहीं खे सोनुआ को सच में किसी पे भरोसा नहीं है। जो हम लोग अभी बात कहे कि जब तक रहोगे ट्रेंड में बबुआ दौड़ेंगे नेता जैसे नौकरिया के अगुआ और उसी ट्रेंडो में था तभी उसको एक एक, एक दिन के अंदर 40 बार गोद लिया गया। अरे जैसे कि कोनो डीएम के अगुआ ना पहुंचत हुई वैसे ओकरा के नेता पहुंचत रहे हैं दादा देख के प्रणी की का होता हमने के बिहार में सच में किसके गोद में गया किसी को नहीं पता चला। तनी तनी सब छुए जैसे कोई चीज देख ले नहीं जैसे कि तिलक उलक चढ़ेला थोड़ा थोड़ा बर्तनिया दुल्हावा के हाथवा पर फिर कलश में फिर अच्छा छिड़के रखा जला वो सही तनी सा हाउ नेता उठा के धले तनी सा हाउ कलाकार उठा के धले सब तनी तनी सब ने अपनी राजनीति चमकाई बिल्कुल। और सोनू आज तक किसकी गोद में गया और कब गया किसी को पता ही नहीं चला। ये जाएगा भी नहीं जाएगा नहीं ना जाएगा लेकिन एक 11 साल का लाल जो मुख्यमंत्री की आंखों में आंखें डालकर सवाल करता है उसके लिए तो उसको दाद देना बनता है बिल्कुल। उसके ऊपर कोई गीत गाऊं नहीं है सरकार को उनकी जो भी मतलब शराबबंदी है शिक्षा का जो व्यवस्था है उस पर हम लोग बोले थे कि घाबा मैं सोनू का प्रशंसक इसलिए हूँ कि जिस उम्र में बच्चे उंगली चूसते हैं उस उम्र में उसने चाहे वो स्क्रिप्टेड ही क्यों ना हो लेकिन सरकार की आंखों में आंखें डालने का प्रयास किया और पूछा भी जो काम विपक्ष का होना चाहिए था उस 11 साल के लाल ने कर दिया। सबके बस का नहीं है जी जाके खड़ा होकर हाथ कांपने लगेगा सामने बोलने में जाके बोला बहुत बड़ी बात समझ रहे हैं बहुत बड़ी बात है। जो इस उम्र में लड़के उंगली चूसते हैं इसने नीतीश कुमार से उंगली चूसवा दिया है इसीलिए हम लोग गाए थे बबुआ टैलेंटेड है ना। अब सुनाइए फिर कि घबराई जई त चाचा पसे नाई जई त चाचा हो सुन शिक्षा व्यवस्था अपन ला जाई जई त चाचा हो दारू बंदी के ड्रामा सुनी अन सही हजनी चाचा हो घबराई हजनी चाचा हो छोटा काला लईका वाके भूलई हजनी चाचा हो लेकिन सब भुला गया इसको सब भुला गया कुछ दिन बाद जो बचा खुचा उसको भी भूल जाएगा एकदम भुला दिया है लोग मतलब। और सोनू ने अपने लिए आवाज नहीं उठाई थी इस देश में करोड़ों ऐसे सोनू पड़े हैं उस सब के लिए आवाज उठाया था कि अगर सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे नहीं रहेगी तो देश का भरोसा जो है बच्चों के ऊपर टिका रहेगा लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति हो गई बच्चे राजनीति हो गई और वही बात हो गई कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे सब लोग बदल
गए, सब उसके दरवाजे पर गए। जो सोनू सच मायने में आईएएस बनने लायक था 10 दिन पहले और आईएएस का सपना देखता था, उस सोनू को इन राजनेताओं ने चपरासी बनने लायक भी नहीं छोड़ा। एकदम मतलब नहीं होता कि खा के पचा जाना, वे सब खा के डकार मार के पचा गया। कुछ लोग कहेंगे कि ये कौन है तीनों लोग जो इनके साथ डिस्कस कर रहे हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वो तीन माटी के लाल हैं जो मुख्यमंत्री की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते हैं और संगीत के माध्यम से सरकारों को जगाने का प्रयास करते हैं। संगीत मनोरंजन का माध्यम नहीं है बल्कि सवाल पूछने का सरकारों से एक जरिया भी है, और ये तीनों लोग वही काम करते हैं। ये भोजपुरी अश्लीलता नहीं गाते हैं, इनको टैलेंट की जरूरत है, टैटू की नहीं, और इनके अंदर जो है वो टैलेंट है जिससे सरकार को कोसने का काम करते हैं। इन्होंने आर्मी के ऊपर, आर्मी भर्ती और आर्मी बहाली के ऊपर गीत गाने लिखा और सरकारों को जगाने का प्रयास किया। मैं चाहता हूं कि आप उस गाने को सुनाएं मेरे दर्शकों को। बिल्कुल, कि कई साल से आया नहीं आर्मी बहाली, रघुनंदन हरि दौड़त दौड़त दैया हुआ कबाड़ी, रघुनंदन हरे रौरे भरोसे बैठल बाड़े सलैका, मोदी चाचा सुनी भेजी वैकेंसी भले पैसा, मोदी चाचा सुनी 5 मिनट 20 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ बनौले बानी, आर्मी के नौकरी खातिर रौरे से असरा हम लगौले बानी। जो काम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, डिजिटल मीडिया नहीं कर पाता है, लिखने में उसकी कलम कांपती है, वो इन तीनों कलाकार ने कर दिया। आर्मी भर्ती पे किसी का जुबान नहीं खुलता है, लेकिन माटी के लाल ने जो है भोजपुरिया जवान के एमबीएस फिल्म के तीनों कलाकारों ने सरकार को जगाने का प्रयास किया है। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप जो है अपने गीत और गौने के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास करते हैं और लड़ते हैं सिस्टम से, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बहुत अच्छा काम करते हैं, मजा आता है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, ये कहां से आइडिया आया कि तीन लोग करें? आप किसी स्टूडियो में गा सकते थे, किसी का चोली घगरा पेटीकोट ब्लाउज खोल सकते थे, ये क्या करने लग गए तीनों लोग? यही हम अभी बोलने वाले थे कि देखिए व्यू, हम गाली गलौज वाला वीडियो भी बना के ले सकते थे, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हम युवा हैं और हम अपने साथ सभी युवा के साथ ही रहते हैं, अगर उन लोगों का दुख अपने कला के माध्यम से रख दें और लोग हंसते हुए समझ जाए बात, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। दीदी हो चश्मैली दीदी के नाम का ताना, हो बड़ाई का ताना, फिर से काबा काबा कैली तो शिकायत का ताना, फिर से पाट टूले अली तो शिकायत का ताना। वाह वाह, देखिए इन्होंने किसी सरकार को टारगेट नहीं किया, ना किसी को जो है गिराने का, ना सत्ता काबिज करने का प्रयास किया। बस इतना कहना चाहता हूँ, ये गीत गौने के माध्यम से सरकारों को जगाने का प्रयास करते हैं, और शायद से भोजपुरी इंडस्ट्री में सारे कलाकार ऐसे हो जाएं तो हमारे साथ साथ पत्रकार के साथ साथ जो है कलाकार भी इस मुहिम का हिस्सा बन जाएंगे सरकारों को जगाने का। मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आप अश्लीलता से ऊपर उठकर इन तमाम कार्यों को कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग इनको नहीं जानते और हमारे माध्यम से जानना चाहते हैं तो एमबीएस फिल्म भोजपुरिया जवान, ये जाकर आप यूट्यूब और सोशल मीडिया पर सर्च कर सकते हैं और इनको प्यार दीजिए। इनका वो गाना है जो आप बहन बेटी अपने घर और परिवार के साथ बैठकर सुन सकते हैं, अश्लीलता नहीं इस सलीलता फैलाते हैं समाज में। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। सोनू सोनू ही रहा, अब सोनू मोनू बनने लायक नहीं रहा, इसके ऊपर इन्होंने गीत गौ नहीं लिखा था, उसी को दिखाने का मैं प्रयास कर रहा था। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।